हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित एक बार फिर आप सब लोगों का अपने चैनल मनी बैंक पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आज एक और शेयर के बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ। उसके फंडामेंटल्स को आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि मैं लास्ट काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि लोगों की ये डिमांड है कि उनको टायर इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करना है। सो वो टायर इंडस्ट्री के किसी शेयर के बारे में मुझसे पूछते हैं। सो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो मैंने देखी, उनको या तो सीएट पसंद आता है या जेके टायर या अपोलो, वो इन्हीं के बारे में पूछते हैं। बट मैं भी आज एक टायर इंडस्ट्री के बारे में तो शेयर लेके आया हूँ, बट किसी एक डिफरेंट शेयर के बारे में लेके आया हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने इसका नाम सुना भी हो और कुछ लोगों ने ना भी सुना हो, बट रियली इट्स अमेजिंग शेयर। और आप जब इसके बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कंपनी वाकई अच्छी है। कंपनी की ग्रोथ लास्ट ईयर्स जो लास्ट इसके काफ़ी साल रहे हैं उससे काफ़ी अच्छी रही है, और आगे आने वाले प्रोजेक्शंस भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। सो मैं आपको जिस शेयर के बारे में बताऊंगा वो टायर इंडस्ट्री से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छा शेयर है। शेयर को पूरा देखें आप। जो मैं आपको वीडियो बताता हूँ उसमें शेयर की हर एक चीज़ के बारे में बताता हूँ, उसके कस्टमर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी की आगे आने वाली पॉलिसीज क्या हैं, क्या मेन न्यूज़ चल रही है मार्केट में, उन सब के बारे में आपको बताता हूँ। तो आप वीडियो को देखिएगा, अच्छे से पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा उसके बारे में। और एक रिक्वेस्ट और है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और जो भी मैं आपको शेयर यहाँ बता रहा हूँ वो आप उसके बारे में अपनी इनिशियल स्टडी जरूर करें। पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले किसी अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। मैं आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता, बस मैं आपको शेयर के बारे में बताता हूँ ताकि आप उस शेयर के बारे में देखें, स्टडी करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसमें बाय करें, अदरवाइज बिल्कुल ना करें। सो आज जो हमने शेयर सेलेक्ट किया है वो है बालकृष्णा टायर, BKT। हो सकता है आप लोगों में से कुछ ने इसके बारे में सुना हो, कुछ ने ना सुना हो, बट रियली कंपनी इज वेरी गुड। और आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे हम कंपनी के हर एक चीज के बारे में आपको बताएंगे। सो एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आइए इसके बारे में जानते हैं, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और कंपनी कैसी है। फंडामेंटल को देखते हैं। कंपनी BSE और NSE दोनों में ही लिस्टेड है। BSE में इसका कोड है 502355। अगर आप 502355 से सर्च करेंगे तो आपको बालकृष्णा का BSE का कोड मिलेगा। और NSE में ये कंपनी BALKRISIND BALKRISIND के नाम से लिस्टेड है। सेक्टर इसका टायर है, जैसे मैंने आपको बताया टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस इसका है 1193 और मार्केट कैपिटल इसका 2404 करोड़ का है। बुक वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू 183 रुपीज की है बुक वैल्यू। काफ़ी अच्छी बुक वैल्यू है, आपको जितने भी शेयर बताता हूँ आप कंपेयर करिएगा। सो जिनकी बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है उनमें से ये एक शेयर है। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी, इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी इसका है 21.78 जबकि स्टॉक पी इसका 32.74 है। आप देखेंगे स्टॉक पी इसका इंडस्ट्री पी से काफ़ी बड़ा हुआ है बिकॉज ये एक मार्केट लीडर है। और आप जिस सेगमेंट पे ये काम कर रहा है, जिस कस्टमर को ये प्रोडक्ट दे रहा है, उनके लिए ये मार्केट लीडर है। आपको आने वाले समय में इस वीडियो में पता चलेगा कि कंपनी कहाँ कहाँ पे कैसे सप्लाई करती है। इसीलिए इस कंपनी को बाय करने के लिए, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। फेस वैल्यू की बात करें, इसकी फेस वैल्यू है 2। EPS अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा है। आप इसके अर्निंग पर शेयर को देखेंगे 35.34, काफ़ी अच्छा इसका अर्निंग पर शेयर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, 1131 करोड़ का। आप देखिए इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी शेयर का है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। सो ये रहे फंडामेंटल रिजल्ट जो मैंने आपको बताई। और पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं। एबिटा, इसका एबिटा 2014 में 1000 करोड़ का था और अभी 2017 में ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का हो गया। सो आप देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, 40% की इसकी ग्रोथ हुई है दो साल में ही इसके एबिटा में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करें तो जो 2015 में 500 करोड़ के थे वो अभी 2017 में 715 करोड़ के हो गए। तो काफ़ी अच्छा इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करें तो 727 से वो अभी 1055 करोड़ का हो गया। तो ऑलमोस्ट 300% की ग्रोथ है। देखिए 30% की ग्रोथ है। आप देखिए काफ़ी अच्छे कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स
2016 में थोड़ी डाउन रही थी, बट 2017 में फिर से ये अच्छी हो गई है। सो नेट सेल्स अच्छी है, कंपनी का एबिटा ग्रो कर रहा है, कंपनी के प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड कर रही है, अपने आप प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा रही है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। कंपनी के और अदर पैरामीटर्स को जानते हैं। कंपनी का डेट, टोटल डेट अगर आप देखेंगे तो 2014 में जो 2300 करोड़ का था, वो अभी इन्होंने 767 करोड़ का कर लिया। सो आप देखिए, इन्होंने ऑलमोस्ट 1/4 अपने डेट को डाउन कर लिया है 2014 के रिस्पेक्ट में। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो 2014 में 1.24 का था, और अभी 2017 में इन्होंने 0.22 का कर लिया। कंपनी अपने फंडामेंटल्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, कंपनी अपने फंडामेंटल्स को बहुत इंप्रूव कर रही है। आप देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो ज़्यादा हो 1 से, उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट कंपनी ने लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली अपने जो इसका डेट इक्विटी रेशियो है उसको काफ़ी डाउन किया है। साथ में अगर हम इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत अच्छा है। 25 2014 में था और अभी 2017 में 20% है। तो आप देखिए, इन्होंने अपने नेटवर्थ पे जो रिटर्न है उसको काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है 20% के आसपास। बहुत अच्छी बात है, अगर 15% से ऊपर आपको किसी कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है उस कंपनी की। टोटल रिजर्व्स, कंपनी ने जिस रेशियो में अपने डेट को कम किया है उसी रेशियो में कंपनी के रिजर्व्स भी बढ़े हैं। तो आप ये देखिए, दोनों ही चीजें कंपनी के फेवर में है। एक तरफ से कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है और दूसरी तरफ से कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, कंपनी अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है। तो कंपनी का रिजर्व जो हम देखेंगे 2014 में 1865 करोड़ का था, वो अभी 36 करोड़ का हो गया ऑलमोस्ट। तो आप ये 3600 करोड़, सो आप ये देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो कंपनी ने अपने डेट इक्विटी डेट को जिस तरीके से कम किया, उसी स्पीड से कंपनी ने अपने रिजर्व्स को भी बढ़ाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छी है, कंपनी का डेट कम हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी के रिजर्व्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, और दैट इज रियली अ वेरी पॉजिटिव साइन कि कंपनी आगे आने वाले समय में और अच्छा कर सकती है। बिजनेस, बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन मुंबई। बालकृष्ण इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाईवे टायर यूज इन स्पेशलिस्ट सेगमेंट लाइक माइनिंग, अर्थ मूविंग, एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग। सो बीकेटी जो है वो ऑफ हाईवे टायर्स बनाती है, OHT बिजनेस में है ये, और ये स्पेशलिस्ट सेगमेंट है जो जिसके लिए टायर बनाती है, लाइक माइनिंग, अर्थ मूविंग, एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, इन सब के लिए बनाती है। कंपनी 1987 में बनी थी, इसका जो फाउंड हुई थी वो 1987 में हुई थी, और ये OHT बिजनेस में आई थी 1990 में। मेनली टारगेटिंग द रिप्लेसमेंट मार्केट, ये जो भी टायर बनाते हैं उन्हें 50% डिस्काउंट में ग्लोबल ब्रांडेड प्लेयर को ऑफर करते हैं, और तब से 20 साल बाद कंपनी 25% जो इसकी सेल है वो OEM से जनरेट करती है, और साथ में इसने अभी जो अपना डिस्काउंट है वो भी नैरो डाउन कर दिया है 15-20%। सो बेसिकली कंपनी जो है 1987 में डेवलप हुई थी, और 1990 में ये OHT बिजनेस में इन्होंने अपना फुटप्रिंट्स बनाए थे, और ये तब ऑफर करते थे 50% डिस्काउंट टू द ग्लोबल ब्रांडेड प्लेयर। बट उसके बाद, उसके 20 साल बाद कंपनी ने अपने आप को जो अपग्रेड किया, जिसकी वजह से इसकी जो 25% सेल्स है वो OEM कंपनी से आती है, और साथ में इन्होंने जो इनका प्रॉफिट मार्जिन था, जो मैंने आपको बताया कि ये कंपनी को प्रॉफिट देती थी, डिस्काउंट देती थी 50% का, वो इन्होंने कम करके अभी 15-20% कर दिया। BKT हैज टू फेस ट्रेड बैरियर्स इन टर्म ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी इन US। कुछ ट्रेड बैरियर्स हैं जो इसको फेस करने पड़ते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी की वजह से। दिस इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द प्रोटेक्शन दैट डोमेस्टिक पैसेंजर और कॉमर्शियल व्हीकल प्लेयर गेट, बिकॉज इट्स कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 40-50% लोअर कंपेयर्ड विद टीयर वन कॉम्पिटिटर। इवन आफ्टर सच स्टीप डिस्काउंट एंड ट्रेड बैरियर्स, BKT इज सिग्निफिकेंटली प्रॉफिटेबल
कंपेयर्ड विद कंपिटिटर। सो अगर हम देखेंगे कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 40-45% कम है इससे कंपटीटर के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो, और कंपनी के साथ कुछ ट्रेड बैरियर्स भी हैं। उसके बाद भी अगर हम बीकेटी की प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू इस कंपटीटर। सो कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी के बारे में और बताएंगे आपको कि कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, कंपनी कस्टमर कौन कौन से हैं। बीकेटी के बिजनेस को हमने देखा, अब बिजनेस के मिशन और विजन की बात करते हैं। तो बीकेटी सपोर्ट करता है अपने कस्टमर को इन ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि बीकेसी ने अपने जो मिशन और विजन है उसमें ये चीज मेंशन की हुई है कि हम अपने कस्टमर को सपोर्ट करते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें। सेकेंडली, ये कमिटेड है न्यू क्वालिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए that are able to satisfy the most demanding user need for any application. We believe that consistent and continuous investment in technology development is the key to high performance and functional tires. Basically, ये believe करते हैं कि जो consistent और continuous investment है technology के लिए वो कहीं ना कहीं इनके जो tires हैं उनकी function और high performance को indicate करेगा। Our commitment to mutual growth with our partners, like we are having our tagline growing together. और साथ में इन्होंने कुछ ऐसे मेजर भी लिए हैं जो एनवायरनमेंट में हार्मफुल होते हैं उनको रोकने के लिए, कि हम एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करेंगे और एनवायरनमेंट को हम कहीं ना कहीं सेफ गार्ड बनाएंगे एनवायरनमेंट के लिए, ताकि हम कुछ भी जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमारा एनवायरनमेंट खराब ना हो। इट इज़ आवर इंटेंशन टू बी द लीडर एंड बेंचमार्क इन द ग्लोबल ऑफ हाईवे टायर मार्केट, इन पर्टिकुलरली इट इन द स्पेशलिस्ट सेगमेंट लाइक एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल व्हीकल एज वेल एज अर्थ मूविंग, पोर्ट एंड माइनिंग। द अचीवमेंट ऑफ आवर मिशन एंड विजन इज बेस्ड ऑन अ फंक्शनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लेड बाय एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। बिजनेस में और आगे देखेंगे तो R&D, कंपनी बेसिकली R&D पे अपना काफी बिलीव करती है। कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी ज्यादा यकीन है। टैलेंट फॉर इनोवेशन इज अ कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ BKT रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन एंड वन ऑफ आवर कंपनी स्ट्रेंथ। सो कंपनी का कहना यह है कि हम R&D पे जितना फोकस करेंगे हमारा प्रोडक्ट उतना ही ग्रो करेगा। इसी के लिए कंपनी अपना जो भी एनुअल सेल होती है उसका 3.5% अपने R&D में ही लगाती है। द R&D सेंटर इज इन चौपांकी में है इनका R&D सेंटर, जहाँ पे इनकी काफ़ी सारी लैब्स हैं, लैब्स फॉर एनालिसिस, केमिकल लेबोरेटरी, फिजिकल लेबोरेटरी, एज वेल एज एन एरिया फॉर रिगरस टायर टेस्टिंग एंड नॉट लीस्ट अ स्पेशल फैसिलिटी फॉर ऑल स्टील रेडियल टायर प्रोटोटाइप। सो बेसिकली ये सारी जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं वो इनकी लेबोरेटरी में है, और इनकी जो लैब है वो मैंने आपको बताया चौपांकी में है। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। द सेंट्रल R&D डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज़ मॉडर्न वर्क स्टेशन फॉर डिज़ाइन एंड एडवांस सॉफ्टवेयर सिमुलेशन। सो जो भी ये प्रोडक्ट अपना डेवलप करते हैं उसको सिमुलेट भी करते हैं, और इनके पास काफ़ी अच्छे मॉडर्न वर्क स्टेशन भी हैं इनको बनाने के लिए। A new and modern research and development center is being built at the Bhuj production site. जो इनकी भुज production site है वहाँ पे अपना एक नया R&D center develop कर रहे हैं। The R&D is going to host a special team for developing top of the range solution. As a result of our extensive R&D activity, we design, develop and produce about 60 to 80 new BKT tire every year. इनकी जो R&D है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव काम करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है, जिसकी वजह से ये हर साल 60 से 80 BKT टायर को मार्केट में लेके आते हैं। और प्रेजेंटली द एवरेज टाइम टू द मार्केट फॉर अ न्यू BKT टायर एट ग्लोबल लेवल इज 6 to 8 weeks ओनली। सो ये इनके R&D के बारे में है। और BKT एक्सीलिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस has been recognized by the Indian government through the Department of Scientific and Industrial Research and the Department of Science and Technology. In India, we have been
the first to produce radial tire for exportation. Moreover, we have been the first to produce all steel radial tire for OTR sector. So, ये इंडिया में फर्स्ट है जिन्होंने रेडियल टायर को प्रोड्यूस किया और साथ ही स्टील रेडियल टायर को भी प्रोड्यूस करने वाली ये इंडिया में फर्स्ट है. सो यही सारी एक्टिविटीज हैं, यही सारे मेन एम है इनके आरएनडी के. और इनकी आरएनडी कभी भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद ये नहीं सोचते कि एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, उसकी टेस्टिंग करते रहते हैं, उसको मार्केट में भी ट्रैक करते हैं और साथ में अपने नए प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं कि हमें और नया क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए या नई क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए जिससे कि हमारा टायर मार्केट में और ज़्यादा प्रेफर किया जाए. मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, तो मैन्युफैक्चरिंग किसके अगर प्लांट की बात करेंगे तो बीकेटी फर्स्ट प्रोडक्शन प्लांट ओपन इन 1988 इन औरंगाबाद. आफ्टर द इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ कन्वेंशनल टायर फॉर टू एंड थ्री व्हीलर व्हीकल कार जीप एंड लाइट ट्रक इन 1995 द प्रोडक्शन ऑफ हाईवे टायर फॉर इंटरनेशनल मार्केट स्टार्टेड ऑफ. टुडे द औरंगाबाद प्लांट मेनली प्रोड्यूस टायर फॉर मटेरियल लोडिंग एंड हैंडलिंग व्हीकल्स एंड कन्वेंशनल टायर फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर. भिवाड़ी नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में इन्होंने एक प्रोडक्शन साइट बनाई थी 2002 में, जो इनका मेन फोकस था वो था रेडियल टायर फॉर एग्रीकल्चर एंड कन्वेंशनल टायर फॉर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर अर्थ मूविंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. द नेक्स्ट वाज नेक्स्ट वन इज डोंबिवली जो मुंबई में है, नॉर्थ मुंबई. 2004 में इन्होंने वहां पे अपना प्रोडक्शन सेटअप किया लीडिंग टू मेजर ऑटोनॉमी एंड बोथ प्रोडक्शन एंड फाइनल प्रोडक्ट कंट्रोल. नेक्स्ट बात करें तो चोपांकी में इनका एक प्लांट है जो 2006 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया. भुज में भी इनका एक प्लांट है जो 2013 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया. सो ये सारे इनकी प्लांट की लोकेशन हैं और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं जो मैंने आपको शो की. मार्केट सेगमेंट ऑफ इंडियन टायर इंडस्ट्री, इंडियन जो टायर इंडस्ट्री है उसका कैटेगराइजेशन अगर हम देखेंगे तो व्हीकल बेस पे होता है, कॉमर्शियल व्हीकल एंड पर्सनल. कॉमर्शियल में ऑफ द रोड OTR, एनिमल ड्रिवन व्हीकल ट्रैक्टर LCV, TNB. पर्सनल में बात करें तो मोटरसाइकिल, पैसेंजर कार एंड स्कूटर. अब मार्केट की डिमांड के ऊपर अगर हम देखें तो OEM, रिप्लेसमेंट एंड एक्सपोर्ट, और डिजाइन बेस पे देखें तो रेडियल एंड क्रॉस प्ले. सो जो डिमांड अगर मार्केट में देखेंगे तो 44% OEM की है और 56% रिप्लेसमेंट की है. सो मैंने आपको बताया कि इनका जो मेजर इन्होंने एस्टेब्लिश किया था अपने आपको वो रिप्लेसमेंट के लिए किया था, बट अभी जो 25% की जो सेल आती है वो टोटल OEM से आती है. सो 75% अभी भी ये रिप्लेसमेंट पे डिपेंड है, और रिप्लेसमेंट को अगर हम देखेंगे तो मार्केट में रिप्लेसमेंट की डिमांड ज़्यादा है. प्रोडक्ट, अब हम आते हैं इसके प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ मशीनरी पे. सो अगर हम एग्रीकल्चर में देखेंगे तो कॉम्पैक्ट यूटिलिटी ट्रैक्टर, कॉटन पिकर, फॉरेस्ट्री हार्वेस्टर, 2WD ट्रैक्टर, ATV, कॉम्पैक्ट लोडर, फॉरवर्डर, गो कार्ट, गोल्फ कार्ट. मैंने आपको बताया था कि काफ़ी स्पेशल सेगमेंट हैं इनके जिन पे काम करते हैं. गो कार्ट और गोल्फ कार्ट में भी आप देखेंगे तो इन्हीं के टायर यूज होते हैं. आप देखेंगे कि रेंज कितनी हाई है, कहाँ ये ट्रैक्टर के लिए भी बना रहे हैं और कहाँ ये गो कार्ट और गोल्फ कार्ट के लिए भी बना रहे हैं. तो ये बेसिकली काफ़ी अच्छी इनकी प्रोडक्ट रेंज है, और हम आगे जैसे जाएंगे आपको बताएंगे और क्या क्या इनके प्रोडक्ट हैं. एग्रीकल्चर में और देखें तो हार्वेस्टर, हे हार्वेस्टर, हाई पावर ट्रैक्टर, एम मोवर, ऑर्चिड हार्वेस्टर, पिवट इरिगेशन, स्मॉल ट्रैक्टर, स्प्रेयर एंड स्प्रेडर, इम्प्लीमेंट मशीनरी, लाइट ट्रक, लॉग स्किडर, टैंकर, ट्रैक्टर, ये सारे इनके प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में अभी यूज़ किए जा रहे हैं. बैकहो लोडर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम एस बता रहे थे, कंपनी आपको एस के बारे में बता रहे थे, तब एस में भी मैंने आपको बैकहो लोडर के बारे में बताया था. सो उसमें भी इन्हीं के ही टायर यूज होते हैं. कॉम्पैक्ट लोडर, कंटेनर हैंडलर, कॉम्पैक्टर, ग्रेडर, लाइट ट्रक, लोडर, ये सारे इनके प्रोडक्ट हैं जिनमें ये काम कर रहे हैं. इन सारे प्रोडक्ट्स में एक्सकेवेटर्स, फोर्कलिफ्ट, गेंट्री क्रेन, मिलिट्री ट्रक, मोबाइल क्रेन,
मोबाइल, होम, इन सब जगह पर इन्हीं के टायर यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल यूज में, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, हमने आपको बताया था कि माइनिंग में भी इनके यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल में और देखेंगे तो स्क्रैपर, टर्मिनल ट्रैक्टर, ट्रेलर ट्रैक्टर, यूनिवर्सल व्हीकल, स्प्रेडर, स्किड, स्टेयर, सो ये सारे ही इनके प्रोडक्ट्स हैं। ओटीआर की बात करें तो ओटीआर में डोजर, ग्रेडर, आर्टिकुलेटेड डंप ट्रैक्टर, हॉल ट्रेन, लो प्रोफाइल डंप ट्रेन, ऑन एंड ऑफ ट्रक, ये सारे ही इनके प्रोडक्ट हैं। सो आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि इन सब में बीकेटी के ही टायर्स लगते हैं, तो ये बेसिकली मार्केट लीडर है इन सब में। आइए कुछ टेक्निकल ट्रेंड की बात करते हैं। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे इसको, तो कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। आप देखिए, कंपनी ने एक ही साल में तीन तीन बार डिविडेंड पे किया है, तीन तीन चार चार बार कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। हम बात करें 2013 में, तो आप देखिए कंपनी कहाँ पे थी, और अभी कंपनी 1252 का इसने हाई टच किया। सो कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दी है, कंपनी ने अपने फंडामेंटल्स पे बहुत काम किया है, कंपनी की आरएनडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो कंपनी के हर 6 से 8 वीक में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। सो यही सब चीजें हैं कंपनी की जो हमें देखनी होती हैं। ट्रेंड को देखेंगे तो काफी ज्यादा बुलिश है। आरएसआई अभी इसका 67 पे चल रहा है। आरएसआई थोड़ा आप देखेंगे तो 70 पे, मैं आपको बोलता हूँ कि ओवरबॉट जोन पे आता है। सो हो सकता है यहाँ से आपको शेयर थोड़ा नीचे भी मिले, बट अगर हम हमेशा ही ये बात अपने माइंड में रखेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा करके हमेशा इन्वेस्ट करते रहें और हर एक लेवल पे बाय करें एसआईपी मोड में, तो हमें कभी भी बेस्ट बाइंग प्राइस का वेट नहीं करना पड़ेगा, हमें बेस्ट बाइंग प्राइस खुद ही मिलेगा। तो मैं तो यही मानता हूँ कि जब भी मुझे कोई शेयर अच्छा लगता है तो मैं उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को चालू कर देता हूँ और एक एसआईपी मोड में ही चालू करता हूँ। मैं कभी भी उसके करेक्ट होने का या नीचे आने का वेट नहीं करता। जब वो नीचे आता है तो मुझे खुशी होती है कि मेरे को और उसमें पोजीशन बनाने के लिए मौका मिलता है। सो हमेशा एसआईपी की ही पॉलिसी रखें और बाय ऑन डिप की पॉलिसी रखें, तो हमेशा आप अच्छा ही एक बाइंग प्राइस पे आ पाएंगे। कुछ न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ। इम्पोर्ट ऑफ चाइना टायर हैज स्टार्टेड टू डिक्लाइन। जो हम चाइना से इम्पोर्ट करते थे टायर्स का, वो अभी कम हो गया है। आप देखेंगे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसी टाइम पे ही 20% तक ड्रॉप हुआ था, और अगर हम कंपेयर करें 2016 में हमने 1,50,000 यूनिट चाइना से इम्पोर्ट की थी, और अभी ये सिर्फ 50,000 यूनिट के आसपास ही रह गई है। सो आने वाले समय में ये और ज़्यादा डाउन होंगी और इंडियन मार्केट के लिए ये बहुत ही बड़ा स्कोप रहेगा। सेकेंडली हम देखें तो बीकेटी स्पॉन्सर्स एक्स ट्रैक्टर अराउंड द वर्ल्ड। सो ये बेसिकली बीकेटी एग्रीकल्चर टायर विल आउटफिट ट्रैक्टर्स इन द न्यूएस्ट एक्स ट्रैक्टर एडवांटेज एज इट टेक्स ऑफ एन एक्सपेडिशन इन द कंट्री साइड ऑफ साउथ अफ्रीका। मैक्रोमिक ट्रैक्टर इक्विप्ड विद बीकेटी एग्रीमैक्स फोर्स एंड एग्रीमैक्स RD657 टायर्स। सो ये बेसिकली बीकेटी के ही टायर हैं जो इनमें अभी मैक क्रॉमिक ट्रैक्टर में फिट होने जा रहे हैं, और ये एक तरीके से पीकेटी ही इनको स्पॉन्सर कर रहा है बेसिकली। फ्यूचर ग्रोथ, की अगर बात करें तो सनी देओल इनके बेसिकली आप देखेंगे तो ब्रांड एम्बेसडर हैं, और अभी अभी इन्होंने 2016 अगस्त में अनाउंसमेंट किया है वाया सनी देओल की ये अभी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी अपने जो व्हील्स हैं उनको, अपने टायर्स को प्रोवाइड कराएंगे। सो अभी अगर हम देखेंगे तो जो अभी टू व्हीलर कंपनी का आगे CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 8.5% का है। सो आप देखिए जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है, अगर उसका ग्रोथ इतना है तो इस कंपनी का भी ग्रोथ अच्छा होगा। सो अभी इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर ही दिया है कि हम टू व्हीलर में भी अपने टायर्स को सेल करेंगे और टू व्हीलर इंडस्ट्री में भी अपने टायर्स को मैन्युफैक्चर करके देंगे। सो ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इनके लिए। आपको मैंने बताया था कि ओएसटी टायर में तो ये है ही मार्केट लीडर, और साथ साथ ये अभी टू व्हीलर में भी अपनी एंट्री ले रहे हैं। सो ये कुछ मैंने आपको डेटा शेयर किया है जिसमें टू व्हीलर कंपनी की ग्रोथ को शो किया है कि वो आने वाले समय में 6.6 to 8% तक ग्रोथ करेगी।
कैटेगरी अगर हम देखें तो कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर एंड ट्रैक्टर्स। टू व्हीलर की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड इनकी जो मार्केट ग्रोथ है वो 10-12% है आने वाले समय में। और ट्रैक्टर इंडस्ट्री में तो ये पहले से ही अपने टायर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप देखिए इनका बिजनेस ऑलमोस्ट जो सेगमेंट है इनका वो डाइवर्सिफाइड होता जा रहा है। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल यूज में है ही है, साथ के साथ ये माइनिंग में भी हैं और अभी ये टू व्हीलर में भी एंट्री ले रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी इनका स्कोप काफी है। तो कंपनी आने वाले समय में बहुत ही बड़ा मार्केट कैप लेने वाली है अपने अंडर में। फ्यूचर ग्रोथ की और बात करें तो फार्म एंड माइंस में इनका जो ग्रोथ ट्रैक है वो काफी अच्छा है। टायर इंडस्ट्री लाइकली टू पोस्ट 8% वॉल्यूम ग्रोथ इन FY18। ये सारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। आप चाहें तो इन्हें एक बार रीड भी कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं और इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। ये कंपैरिजन डेटा है जो मैं आपको हमेशा शो करता हूँ। अगर हमने अपने पैसे को BSE ऑटो में या BSE मिड कैप में इन्वेस्ट किया होता 2011 में, और साथ में अगर हम अपने पैसे को बालकृष्णा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते 2011 में, तो हम देख सकते हैं कि बालकृष्णा इंडस्ट्री ने हमको 1500% का रिटर्न दिया। वेयर एज हम बात करें BSE मिड कैप और BSE ऑटो की, तो उन्होंने कहीं हमको 100% या 200% तक का ही रिटर्न दिया। ये कुछ शेयर होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग अगर प्रमोटर्स की बात करें तो 58% के आसपास है। आप देखिए कंटिन्यूसली इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो इंक्रीज कर रही है और आने वाले समय में और इंक्रीज करेगी, क्योंकि धीरे धीरे ये शेयर लोगों को पता चलेगा और लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। काफी अच्छा शेयर है और इसमें होल्डिंग पैटर्न जो है वो प्रमोटर्स का काफी अच्छा होगा। टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 1225 का रहेगा और जो मैंने लास्ट टारगेट यहाँ पे दिया है वो 1298 का दिया है। बट नो डाउट कंपनी इज गुड एंड फंडामेंटल आर ऑल्सो गुड, और कंपनी अच्छा कर रही है तो आने वाले समय में आपको बहुत ऊपर मिलेगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। जो अच्छे शेयर होते हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे होते हैं, बट स्टिल जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस मैं देता हूँ 1012 का। सो बेस्ट बाइंग प्राइस अगर हमें ये अभी मैंने बताया RSI काफी इसका ऊपर चल रहा है, हो सकता है ये थोड़ा करेक्ट हो। सो अगर इसका बेस्ट बाइंग प्राइस हमें मिलता है 1132 से 1165 के बीच में तो वो काफी अच्छा रहेगा। ये डिस्क्लेमर है इस चैनल के बारे में जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो भी इस चैनल पे मैं अपनी शेयरिंग करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के लिए है और मैं किसी भी सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ आपको यही बताता हूँ कि किसी कंपनी के फंडामेंटल को कैसे चेक करना है और कौन सी कंपनी मेरे को फंडामेंटल चेक करने पे अच्छी लगती है, और मैं उसी के बारे में आपको बताता हूँ ताकि आप भी उस कंपनी के फंडामेंटल को चेक कर सकें और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें। और अगर आपको वाकई वो शेयर अच्छा लगता है अपनी नॉलेज के बेसिस पे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से सलाह लें, और उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ वाकई मेरे जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इसको लॉन्ग करने की सलाह दी है तभी इसमें बाय करें। मेरे कहने पर किसी भी शेयर को आप बाय ना करें, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज पर्पस के बारे में ही बताता हूँ और किसी भी चीज़ के बारे में मैं आपको नहीं बताता। मैं नहीं कहता आपको कि आप इसे बाय करें या सेल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो को पहली बार देखा है वो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप सब लोगों के पास टाइमली आए और आप उसे वॉच कर सकें और उस बेसिस पे उस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक कर सकें और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें। और जितना हो सके आप मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ें और फंडामेंटल्स के बारे में जानें कि किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को कैसे चेक करते हैं और कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगली जो मेरी वीडियो होगी वो भी एक फंडामेंटल बेसिस पे होगी। मैंने शेयर को सिलेक्ट कर लिया है कि किस शेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उस शेयर के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं उसे प्रेजेंटेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और आने वाले समय में जल्दी ही उस वीडियो को अपलोड करूंगा ताकि आप लोग उसको भी देख सकें और उसके फंडामेंटल को चेक कर सकें। जितनी भी वीडियो बताता हूँ सबके फंडामेंटल को चेक करिए, उसे ट्रैक करिए, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैक करिए ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आप खुद भी अपने शेयर्स को सिलेक्ट कर सकें कि लॉन्ग टर्म में मुझे किस शेयर में कैसी पोजीशन बनानी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।